लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में कुल 8 सीटों पर वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन सीटों में पीलीभीत भी शामिल है। ये लोकसभा क्षेत्र भाजपा के कब्जे वाली सीट मानी जाती है। इस सीट से 2019 में भाजपा के वरुण गांधी चुनाव जीते थे, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बदलाव करते हुए वरुण का टिकट काटकर राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला सपा के भगवत शरण गंगवार से है। वहीं यहां से बीएसपी ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद उर्फ फुल बाबू को टिकट दिया है। सियासी जानकारों की माने तो 2024 के चुनाव में पीलीभीत में प्रसाद, समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार और बहुजन समाज पार्टी के अनीस अहमद खान के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। पीलीभीत सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, बहेड़ी, पीलीभीत, बरखेरा, पूरनपुर और बीसलपुर। इस सीट पर सभी दलों की कोशिश कुर्मी और मुस्लिम वोटरों को साधने की रहेगी। ये लोग यहाँ किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने में निर्णायक माने जाते हैं। इतिहास उठा के देखा जाए तो अब तक 7 बार इस सीट पर कुर्मी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 30% यानी 5 लाख, लोध किसान 4.5 लाख और कुर्मी वोटर की संख्या करीब 2 लाख है। इसके अलावा मौर्य, पासी और जाटो वोटर भी करीब 2 लाख है। अगर 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम पर नजर डाले तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी ने पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में सपा के हेमराज वर्मा को 2.5 लाख से अधिक मतों के प्रभावशाली अंतर से हराकर एक शानदार जीत हासिल की थी। वरुण गांधी को 7 लाख से अधिक वोट मिले, जबकि वर्मा को 4.48 लाख से कुछ अधिक वोट मिले। ऐसे में इस सीट को लेकर जो मुकाबला राजनीतिक पार्टियों के बीच जारी है, उसको देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में आखिर किसको जीत मिलेगी और किसको हार। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।